नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे टोटल 200 बेस्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले इसमें हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है इवेल्युएट 1 + i² + 1 - i³। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में मिल भी सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया 1 + i² दिया गया है। इसका हम लोग को तो कोई फॉर्मूला यहाँ पे पता नहीं है। इसका वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है। सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 + i² है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + i² और इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंट के रूल से। a^m होता है, इसको हम क्या बोलते हैं a^n। यहाँ पे 1 + i² है, उसका पावर क्यूब कर देते, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, पावर 6 ही हो जाएगा। ठीक है, इसे फायदा क्या होगा, यहाँ पे बोलो a + b² तो लगा सकते हैं यहाँ पे। देखिए a + b² क्या होता है, a² यानी कि 1 का स्क्वायर, a है हम लोगों को 1 और b है i। ओके, a² + b² + 2ab, तो 2 × a के जगह 1 × b के जगह पे i का होल क्यूब। आगे देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + i² + 2y का होल क्यूब। आगे देखिए ये 1 + देखिए i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। i² का वैल्यू दोस्तों याद रखिएगा -1 होता है। ये हो जाएगा -1 और ये +2y और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 + 2y का होल क्यूब। -1 से +1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y का होल क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये i³। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 8 × i³ का वैल्यू होता है, देखिए i³ को आप कैसे क्यूब लिख सकते हैं, i² लिख सकते हैं। देखिए i² आप डायरेक्ट भी याद रखिएगा कि iq = होता है -i होता है। ओके, अब कैसे हुआ आप समझ लीजिए, 8 × ये i और i² का वैल्यू -1, ये फाइनली हो जाएगा -8 है। ये दोस्तों वैल्यू किसका आया, ये आया हम लोग वैल्यू 1 + i² = 6 का। यहाँ पे देखिए देयरफोर 1 + i² = 6 का वैल्यू कितना आ गया, -8 आया। अब हम क्या करें, सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 - i³ लिखेंगे एंड ये 1 - i³, ये समझिए कि a है और ये b है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b³। a - b³ क्या होता है, a³ यानी कि 1 का क्यूब, -b³ यानी कि i³, -3ab 3 × a के जगह 1 × b के जगह i a - b यानी कि 1 - i। तो सॉल्व कर लीजिए, 1 - i³ ये -3i × 1 - i। आगे देखिए अब देखिए 1 ये -iq का वैल्यू कितना होता है, -i, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाए हैं। ये -3i से इसको मल्टीप्लाई की तो -3i और ये -- हो जाएगा +3i². आगे देखिए ये हो जाएगा 1, ये -- हो जाएगा +i, ये हो जाएगा -3i और +3 × i² का वैल्यू होता है -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो देखिए हो जाएगा 1, i में से 3i जाएगा तो हो जाएगा -2i और ये हो जाएगा हम लोग कितना, -3। तो 1 में 3 जाएगा तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2i। ये वैल्यू दोस्तों किसका हम लोगों को मिल गया वैल्यू, ये वैल्यू मिला है 1 - i³ का। अब देखिए हम लोग जो वैल्यू निकालना था यहाँ पे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे नाउ, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे नाउ ये 1 + i² = 6 प्लस ये 1 - i³। तो देखिए 1 + i² = 6 कितना आया था, देखिए 1 + i² = कितना आया था, -8 आया था। ये हो जाएगा हम लोग इसके जगह पर हो गया -8i और ये हो जाएगा हम लोग को प्लस
और वन माइनस आई का होल क्यूब, ये हम लोग कितना आया है माइनस टू माइनस टू आई, तो माइनस टू माइनस टू आई सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए हो जाएगा हम लोग को माइनस एट आई, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस टू, और ये हो जाएगा माइनस टू आई। तो देखिए हो जाएगा हम लोगों को माइनस टू, माइनस एट आई या माइनस टू आई, तो कितना हो जाएगा माइनस टेन आई। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई होल टू द पावर वन अपॉन थ्री इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन सो दैट एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, देखिए एक्स प्लस आयटा वाई का पावर कितना है वन अपॉन थ्री है इक्वल टू ए प्लस आयटा बी। ओके, अब यहाँ पे देखिए पावर वन अपॉन थ्री, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिए क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, या इसको ऐसे समझिए ये पावर ये वन अपॉन थ्री है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर थ्री हो जाएगा, या नहीं हम लोग क्या करते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड वी गेट। देखिए एक्चुअली हम लोग को इसमें करना क्या है कि एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी का वैल्यू निकालना है, माइनस कर देंगे तो फाइनल ये रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यूब ऑन बोथ साइड वी गेट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयटा वाई का पावर वन अपॉन थ्री है, और ये पावर कितना हो जाएगा क्यूब थ्री हो जाएगा, इक्वल टू ए प्लस आयटा बी का पावर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। अब देखिए पावर से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये हम लोगों को हो जाएगा एक्स प्लस आयटा वाई इक्वल टू, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, ये ए है और ये क्या है बी है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब, ए की जगह ए ही है तो ए का क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब, तो बी की जगह पे है आई बी का क्यूब हो जाएगा प्लस थ्री ए बी, तो थ्री इंटू ए इंटू आई बी इंटू ए प्लस आई बी हो जाएगा थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस आयटा वाई इक्वल टू ये ए क्यूब प्लस आई बी का होल क्यूब करें तो आई का क्यूब करेंगे तो आई क्यूब, और ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस ये हो जाएगा हम लोग को थ्री ए बी आई इंटू ए प्लस आई बी। आगे देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस आयटा वाई इक्वल टू ए क्यू प्लस, देखिए इसको पहले बी क्यू लिख लीजिए इंटू ये आई क्यू है तो आई क्यू का वैल्यू कितना होता है माइनस आई होता है, देखिए आई क्यू बी क्यू है ना तो पहले बी क्यू लिख लिए इंटू आई क्यू का वैल्यू कितना होता है माइनस आई होता है प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए थ्री ए बी आई से को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी आई हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को थ्री ए बी स्क्वायर आई स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग एक्स प्लस आयटा वाई इक्वल टू ए क्यूब, ये हो जाएगा देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बी क्यूब आई हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी आई, और ये हो जाएगा प्लस थ्री ए बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप देखिए एक्स प्लस आयटा वाई इक्वल टू ये हो जाए ए क्यूब, देखिए आई वाला टर्म को एक साथ लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस वाले को पल लिख लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस थ्री ए स्क्वायर बी आई माइनस बी क्यूब आई हो जाएगा। यहाँ फिर समझिए यहाँ पे आई वाला टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस वाले को पल लिख दिया माइनस वाले को बाद में लिखे यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा थ्री ए बी स्क्वायर। और लोग क्या करें यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ में लिखेंगे, देखिए रियल पार्ट हो गया ये और ये जिसमें आई नहीं लगा हुआ और इमेजिनरी पार्ट हो गया ये दोनों, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस आयटा वाई इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस, इस दोनों से क्या कीजिए आई कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। ओके, और लोग क्या करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, देखिए रियल पार्ट हो गया ये इमेजिनरी पार्ट हो गया ये, इसमें रियल पार्ट हो गया ये और इमेजिनरी पार्ट हो गया
इमेजिनरी पार्ट मतलब आई का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेटिंग इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हम लोग हो जाएगा, देखिए यहाँ पार्टीशन यहाँ पे कर देते हैं, देखिए x इक्वल टू, देखिए रियल पार्ट ये है और यहाँ पर रियल पार्ट ये है, a इक्वल टू हो जाए एक्स क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लीजिए x इक्वल टू a, यहां से कॉमन लेंगे ये हो जाए ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस a को क्या कीजिए, नीचे में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू किसका निकालना, x अपॉन a का और y अपॉन b का, तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ये कहाँ आ जाएगा, बाई में आ जाएगा, कैसे लिख सकते हैं कि x अपॉन a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन वन लेट कर लेंगे। अभी मेनरी पार्ट को यहाँ पे इक्वेट कीजिए, कि मेनरी पार्ट हम लोगों को क्या है, देखिए मेनरी पार्ट क्या आई ऑप्शन, यहाँ पे हो गया वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोगों को थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा, यहां से बी कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू निकाल दिया बी चला जाएगा बाई में, ये वाई अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया इक्वेशन, हम लोग इसको क्या करेंगे टू लेट कर लेंगे और इस दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आएंगे एलएचएस से आएंगे, देखिए एलएचएस हम लोग क्या है यहाँ पे एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, यहाँ पे आइए एलएचएस से एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी का वैल्यू, यहाँ पे देखिए दो टर्म है यहाँ पे दोनों ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस थ्री ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर में से थ्री ए स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर और ये माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस टू कॉमन ले लीजिए क्योंकि इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है माइनस माइनस और टू भी कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे माइनस टू कॉमन तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे आर एच एस होंगे और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये प्रूव करना था एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके ये बताइए कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।